एमजी रोड पर भूमिगत मेट्रो की मांग को लेकर शहर के प्रबुद्ध नागरिक व व्यापारियों ने शहीद स्मारक से लेकर दीवानी तक मशाल जुलूस निकाला तथा आगरा का मत मेट्रो भूमिगत के नारे लगाते हुए दीवानी स्थित भारत माता की प्रतिमा पर मशाल जुलूस का समापन किया गया। देखिए, सरकार तो अपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और सरकार के विरोध में भी कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। सरकार को बस एक बात निगाह में डाली जा रही है कि विकास की कोई भी इस प्रकार की योजनाएं जो होती है, जैसे मेट्रो आई है, ये योजनाएं ऐसी होती हैं जो कि भविष्य के 50 और 100 साल की दृष्टिकोण को दिमाग में रख के बनाई जाती है। नेता कैसा हो, आज की तारीख में जो मेट्रो बन रही है, जिस दिन इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी तब यहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति कुछ और थी, आज लगभग 5 गुना ट्रैफिक हो चुका। तो भविष्य को देखते हुए एलिवेटेड मेट्रो तो पूर्णतः फेल होनी है, ये बात तो निश्चित है। दूसरी चीज़, क्या हम एमजी रोड को चावड़ी बाजार बनाना चाहते हैं, रावतपाड़ा बनाना चाहते हैं, किनारी बाजार बनाना चाहते हैं, लोअर गली बनाना चाहते हैं, ये हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। वो ना बन पाए इसलिए हम सरकार से विनती कर रहे हैं, सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस डिसीजन को चेंज करें और इसको एमजी रोड पर जो 5 किलोमीटर का भूभाग है उसको भूमिगत करें। ये आज एक सरकार, हम लगातार एक अभियान चलाए हुए हैं मेट्रो की, भूमिगत मेट्रो की मांग को लेकर, और आज इसी संदर्भ में हमने एक मशाल जुलूस का आयोजित किया है। इसमें हमारी मांग लगातार वही है कि मेट्रो को भूमिगत ले जाया जाए, ताकि कि जो शहर की एलिवेटेड बनने से जो दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, वो काफ़ी हद तक भूमिगत बनने से वो समस्याओं से हम लोग पार पाएंगे। क्योंकि मेट्रो जब एलिवेटेड बनेगा तो पूरा शहर चौक हो जाएगा, पूरा शहर जाम हो जाएगा। स्कूल के बच्चे हैं, मरीज हैं, सारे डिपार्टमेंट्स सरकारी हों या प्राइवेट ऑफिसेज हों, सब एमजी रोड पर स्थित हैं, और जब यहाँ पर जाम की स्थिति हो जाएगी तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि एमजी रोड जैसा कि रिपोर्ट ऊपर शासन के पास गई है कि 100 फिट का है एमजी रोड, लेकिन हकीकत यह है कि ये 70% एमजी रोड 100 फिट का है ही नहीं है, ये रोड 100 फिट का ही नहीं है, जिसकी वजह से सही रिपोर्ट ये नहीं पहुंच पा रही है कि यहाँ पर रोड छोटी होने की वजह से कितना ज़बरदस्त जाम लगेगा और एक बहुत बड़ी विकराल समस्या खड़ी हो जाएगी शहरवासियों को।